तो फ्रेंड्स अभी तक उन्होंने कंसाइज फिजिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस में सेक्शन ए खत्म कर दिया और बी भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस में हम लोग ने प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन रे फॉर रे डायग्राम्स ये सब हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, ये सब देखिए जो हम लोग के नोट्स थे जो हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में बनाए थे। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको हम लोग की वेबसाइट visionandgold.com पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगला टॉपिक है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ लेंस। बेसिकली इसमें क्या करने जा रहे हैं, ये हम लोग रे डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर लेंस में बेसिकली इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, ये स्टेप्स मैं आपको एक एक समझाऊंगा। और इन्होंने ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में इन्होंने कैसे हम लोग को रे डायग्राम बनाना है फॉर लेंस का वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समझने के लिए ये डायग्राम मैंने ही पहले बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर ए लेंस। अब मैं एक एक करके ये डायग्राम आपको दिखाता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा कलरफुल डायग्राम मैंने बनाया है जैसे आपको हर रे के बारे में अच्छे से पता चल जाए। अब देखिए पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया है, पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है कि ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। तो ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पी एंड क्यू। ठीक है, मैं भी दूसरा छुपा देता हूं जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी केवल आपको फोकस करना है इस ये वाला जो फिगर है, फिगर नंबर वन, इसमें इन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। तो ये हमारी पी क्यू हो गई है और फिर बोला है नेम इट एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, मैं इसको पी ए लिख देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा है चूज अ पॉइंट ओ। तो मैंने मान लीजिए इस पे ये पॉइंट चूज किया इस लाइन के ऊपर, वो है ओ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, और इसको आप नाम दीजिए ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मैं लिख देता हूँ ओ पी टी आई सी ए एल सी ई एन टी आर ई। ठीक है, आगे क्या बताया, ड्रॉ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल सेक्शन बाय वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू ओ। अब इन्होंने कहा कि इससे आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाइए और उसके बेसिस पे आप एक कॉन्वेक्स लेंस बना दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरा जो फिगर नंबर वन था वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा फिगर नंबर वन। अब आगे इन्होंने क्या बताया, आगे इन्होंने ये देखा है फिगर नंबर टू। फिगर नंबर टू में क्या बताया, चूज अ प्रॉपर स्केल एंड मार्क टू प्रिंसिपल फोकी एफ वन एंड एफ टू। ठीक है, तो ये बराबर की दूरी पे F1 एंड F2 हमको मार्क करना है। F1 इज ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है ये मेरा लेफ्ट साइड है, एंड F2 इज ऑन राइट साइड। ठीक है, तो ये मेरा राइट साइड है ऑफ O, ये जो O है उसके एट ए इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये O और O से जो F1 की दूरी है वही O से F2 की दूरी है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, मतलब ओ एफ वन इज इक्वल टू ओ एफ टू। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, क्योंकि ये दोनों एयर है, इनका जो मीडियम है वो सेम है। ठीक है, ये भी एयर है और ये भी एयर है, इसलिए इनका जो फोकल पॉइंट है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से बराबर की दूरी पे बनता है, इसलिए ओ एफ वन इज इक्वल टू ओ एफ टू है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं, फिर से मैं छुपाता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं फिगर नंबर थ्री। फिगर नंबर थ्री में इन्होंने क्या बताया है, फिगर नंबर थ्री में ये बता रहे हैं कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू रिप्रेजेंट द वर्टिकल लीनियर ऑब्जेक्ट। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये मेरा, इसको मैं लिखता हूं वर्टिकल,
ये मेरा एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आपको समझने के लिए, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इन्होंने कहा आपको कहाँ पे बनाना है, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक लाइन ड्रॉ करी है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, उसमें दो फोकी बनाए, दैट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड सेकेंड फोकल पॉइंट ऑन द राइट साइड, और एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट हम लोग ने इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ किया, ठीक, यहां तक हम लोग ने अभी तक देखा है। आगे क्या देखते हैं हम लोग, फिर ये बताते हैं ड्रॉ वन रे ऑफ लाइट ए ओ, ये देखिए ये इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन मतलब क्या है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ये माना जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इंसान का सर है, यहां से एक लाइट निकल रही है और वो पास कहां से हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, ठीक है, तो ड्रॉ वन रे ऑफ लाइट ए ओ फ्रॉम टॉप पॉइंट ए, दिस इज ए पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पासिंग स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और आपको पता ही है अगर कभी भी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है, मतलब अगर कोई रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, तो वो कभी भी डेविएट नहीं होती है, वो हमेशा सीधी जाती है, ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फिगर। आगे क्या बताते हैं, आगे यहाँ पे एक और फिगर आ जाता है जिसमें इन्होंने क्या बताया कि ड्रॉ सेकेंड रे, अभी एक पहली रे हो गई थी जो कहां से जा रही थी, ऑप्टिकल सेंटर से, अभी ये दूसरी रे आपको बनानी है, बट ये रे जो है इसका नाम क्या है, ए डी, ये ए डी कैसे है, ये जो है ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वर्टिकल ऑब्जेक्ट, इसके टॉप से जा रही है और ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में है, ठीक है, तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के बाद जब ये आगे से रिफ्रैक्ट होती है, तो ये टू आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल पास थ्रू फोकस एफ टू, तो जो फोकस एफ टू है ये उसके थ्रू जा रही है, ठीक है, एज डी और ए डैश, ये पॉइंट है ए डैश, ठीक है, ये इन्होंने बताया कि अगर पैरेलल रे जा रही है स्टॉप से, तो दिस विल बी मूव टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस और वो जो पॉइंट से मिल रही है दैट इज ए डैश, ठीक है। सिमिलरली एक तो रे हो गया जो ऊपर से जा रही है, मतलब आफ्टर डेविएशन सेकेंड फोकल से मिल रही है, लेकिन मान लीजिए अगर एक रे जो फर्स्ट फोकल पॉइंट से निकल रही है, मतलब ये ऐसे जा रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट होते हुए, तो वो इन्होंने अगले डायग्राम में बताया है, ये देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए, एक ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये है मेरा नेक्स्ट डायग्राम जिसमें इन्होंने बताया है फॉर द सेकेंड फोकल पॉइंट, सॉरी फॉर द सेकेंड रे द अदर चॉइस कैन बी टू ड्रॉ ए डैश डी, ये देखिए ए डैश डी, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन को देखिएगा, फ्रॉम द टॉप पॉइंट ए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहां से इसके टॉप से आ रहा है, ऑफ ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट फोकस से होते हुए जा रही है, ठीक है, एंड देन अप टू द लेंस, लेंस से आती है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस रे बिकम पैरेलल, ये पैरेलल हो जाती है, पैरेलल किसके हो जाती है, प्रिंसिपल, बोलिए जोर से, प्रिंसिपल एक्सिस बराबर ऑफ पी क्यू, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है पी क्यू, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट डायग्राम बन जाता है। इसके बाद ये डायग्राम मैंने बनाया था और बनाते बनाते गलती हो गई तो मैंने पूरा काट दिया, अब मैंने इसको डायग्राम को आगे फिर से बनाया है, ठीक है, देखिए ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम में जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मतलब सबसे पहले के डायग्राम में क्या था, एक लाइन खींचो उसका नाम है पी क्यू और वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस और उसका एक सेंटर बनाओ जिसको हम लोग कहते हैं क्या ऑप्टिकल सेंटर और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक वर्टिकल लाइन खींच के कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया वर्टिकल ऑब्जेक्ट और उससे हम लोगों ने तीन रे देखी, एक ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जा रही है, एक
पैरेलल उसके टॉप से निकलती है और पैरेलल होती है, और आफ्टर डेवी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस नंबर टू से होते हो जाती है, और जो तीसरी रे है वो फोकस नंबर वन से होते हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जिस पॉइंट पे बनती है उसको हम लोगों ने नाम रखा था ए डैश। ठीक है, अब अगर यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या ये हम लोग देखते हैं कि देखिए यहां से तीन रे निकली है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इसमें रियल इमेज बनती है। अब रियल इमेज बन रही है और ये इन्वर्टेड रहती है। देखिए अभी मैं आपको अपना पुराने वीडियो के, देखिए जो पिछला वीडियो था, ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो था, देखिए वहां पे ये एक्सप्लेन किया था मैंने, एक मिनट अभी बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी बताया था रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन, ये हो गया था, एंड देन रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है ना, यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। वो इमेज किसकी होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल ऑब्जेक्ट है ना ए बी, ये जो इंसान खड़ा होगा मान लीजिए, तो उसी की ये इमेज बनेगी। ठीक है, दिस इज द सेम इमेज व्हाट आई हैव हियर, बट ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ये देखिए ये लाइन मैंने लिखी थी, अ रियल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो रियल इमेज है ये इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, तो दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज है जो हम लोग एक रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे बनता है। ये आपको प्रैक्टिकल अपने स्कूल में करना है जब आपका स्कूल खुल जाए। अब सेम चीज इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी है यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉनकेव लेंस में भी क्या है, अच्छा एक चीज और आपको, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, जब आप प्रैक्टिकल करिएगा ना तो आप देखिएगा ये जो इमेज का डिस्टेंस है, ये जो इमेज का डिस्टेंस है, मतलब हाइट, सॉरी ये जो इमेज का हाइट है, ये जो इमेज का हाइट है वो क्या है, और ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस थी वो क्या है, और ये क्या है, ये बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले ही हम लोग ने देखा था कि जो डिस्टेंस है फोकल वन और फोकल टू का वो बराबर होना चाहिए, तो ये जो इमेज है ये बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अगला जो लास्ट इसमें इमेज बताइए, जो लास्ट डायग्राम था जिसमें इन्होंने कहा है ये सेम कंस्ट्रक्शन हम लोग कॉनकेव के लिए देखते हैं कैसे। देखिए कॉनकेव लेंस में क्या होता है, सबसे पहले इनका एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है भाई, PQ, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी एक मैंने सेंटर लिया, उस सेंटर में मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, उसके अगेंस्ट में मैंने कॉनकेव लेंस ड्रॉ किया। अब फिर हमने यहाँ पे एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट लिखा, मैं यहाँ पे VO लिख देता हूँ, एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट लिया, उस वर्टिकल ऑब्जेक्ट में पहली जो रे निकल रही है उसके टॉप से, उसके सर से, मान लीजिए इंसान है उसके सर से, वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, ये गई, ठीक है, जो ग्रीन वाली रो है। ठीक, इसके बाद दूसरी रे जो निकलती है वो हम लोग ने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गई, और ये कॉनकेव लेंस का कैसा नेचर होता है, वो डाइवर्ट होता है, वो डाइवर्ट करता था, ये ऊपर निकल गई रे। ठीक है, अब इस रे को देखिए, ये मैंने डॉट 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 करके ये आगे बढ़ाया है, तो ये बन जाता है F2, मतलब ये फोकस नंबर 2 तो था ना, फोकी पॉइंट, ये उसमें जाके मिलता है। और ये दूसरी रे अगर हमने देखी जो कि पैरेलल से निकल के जा रही है, तो दूसरी रे जो आई जो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा रही है, जो पैरेलल भी नहीं है, वो जब आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक आपकी इमेज कब बनेगी, इसी रे को अगर हम पीछे लेके जाएंगे तो ये देखिए इसका भी इमेज बनेगा। अब ये देखिए मैंने डॉट डॉट बनाया ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए रेड 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 का ये जो है ना, ये डॉट डॉट है, ये ग्रीन, ये येलो का डॉट 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 बनाया हुआ है, और ये देखिए ग्रीन का, ग्रीन जो लाइन है, जो मेरी पहली लाइन थी जो मेरी ऑप्टिकल सेंटर से होते जा रही थी, ये उसका है। तो यहां पे देखिए जहां पे इनका इंटरफेयर्स है, यहां पे जहां पे तीनों रे मिल रही हैं, ये एक मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं होगा, ये वर्चुअल बनेगा, ये अपीयर होगा, ऐसा लगेगा बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा,
बिकॉज कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी भी हम लोग ने पढ़ा था, और उसमें देखिए क्या लिखा था, ये देखिए, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन लगा देंगे तो नहीं दिखाई देगा। अगर ये देखना है तो क्या करना होगा, तुरंत मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाला, ठीक इसके पहले का जो वीडियो है, अगर वर्चुअल इमेज को देखना है तो क्या करेंगे, आपको उसके लिए आंखों से देखना पड़ेगा। आप अगर आंख से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि आंख क्या होती है, वो कॉन्वेक्स लेंस होती है। और ये देखिए, आई कैप्ट बिटवीन द डाइवर्जिंग रे इज एबल टू सी द इमेज बिकॉज द आई लेंस बीइंग कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, उस पर जो भी रे आएगी वो उसको रियल इमेज बना देती है, रियल इमेज बनेगी इसलिए आपको वो दिखाई देगा, लेकिन आपने स्क्रीन रखा तो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। तो ये जो इमेज बन रही है ना, ए डैश बी डैश, ये आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ये मेरा कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी होता है। देखिए, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, अच्छा ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या था, रियल इमेज इन्वर्टेड थी, बट ये हमारा इरेक्ट है, सीधा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज नंबर 7, जहां पे हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर ए लेंस, ठीक है। ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है 5.6 वाला, ठीक है। तो ये देखिए सारे डायग्राम हमने समझे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कुछ केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, वो समझेंगे, एक एक केस आपको एक्सप्लेन करेंगे खूब डिटेल में, खूब मजा से समझेंगे इसको, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, काफी अच्छे वीडियो आप लोग को आपके लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।